श्रद्धा कपूर बनेंगी चालबाज। जी हाँ, श्रीदेवी की मूवी चालबाज का एक रिक्रिएशन होने वाला है जिसमें नजर आने वाली है श्रद्धा कपूर। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। श्रीदेवी की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म चालबाज, जिसमें उनको बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। इनफैक्ट उनका अगर एक स्टारडम मोमेंट बोले तो चालबाज हो सकती है वो मोमेंट, जहां पर वो हीरो से भी ज्यादा बेहतरीन नजर आई थी। इनफैक्ट वही हीरो थी मूवी की, और उन्होंने एक तरीके से सुपरस्टारडम जो हासिल किया था, या सुपरस्टार का जो टैग हासिल किया था, वो चालबाज के बाद ही हासिल किया था। उसी मूवी को एक तरीके से बढ़ाया जा रहा है आगे, उसका एक पायदान आगे बढ़ाया जा रहा है विद अनदर मूवी कॉल्ड चालबाज इन लंदन, जिसके लिए श्रद्धा कपूर को किया गया है फाइनल। श्रद्धा कपूर इस मूवी का हिस्सा बनकर बहुत ही ज्यादा खुश है। ऑब्वियसली श्रीदेवी की लेगेसी को आगे लेकर जाना किसी भी एक्ट्रेस के लिए बहुत खुश नसीबी की बात होगी। एंड श्रद्धा कपूर इज फीलिंग द सेम वे, जहां पर वो ये बोलते हुए नजर आ रही हैं कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि चालबाज के किरदार में सभी ने श्रीदेवी जी को बहुत पसंद किया था, और उन्हीं को कहीं ना कहीं मुझे रिक्रिएट करना है या उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना है। तो ऑब्वियसली सभी लोग मुझे श्रीदेवी जी से कंपेयर तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मजेदार रोल होने वाला है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इस मूवी में काम करने का मौका मिला है। जिस तरीके से चालबाज में श्रीदेवी का डबल रोल था, वैसे ही श्रद्धा कपूर का चालबाज इन लंदन में भी होने वाला है डबल रोल, जिसको लेकर वो कह रही हैं कि आई एम रियली एक्साइटेड कि मुझे डबल रोल का भी जो है ऐसा कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है। पहली बार ये मेरा होगा कि मैं डबल रोल प्ले करूंगी, एंड दिस इज चैलेंजिंग एज वेल एज वेरी एक्साइटिंग। हम आपको बता दें, जिस डायरेक्टर ने चालबाज को डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्टर चालबाज इन लंदन की कमान भी संभालने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर ऑल द फन दैट श्रद्धा कपूर इज गोइंग टू गिव यू, एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस मूवी के बारे में, जरूर लिखे कॉमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि और भी खबरें हैं, लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। Thank you.